फ्रेंड्स, हमें कुछ भी चीज़ फेंकने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना चाहिए कि हम उसका कैसे रीयूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा ये पॉट बिल्कुल प्लास्टिक का टूट चुका था, तो मैंने सोचा इसको फेंकने से पहले क्यों ना अपने गार्डन डेकोर के लिए ही कुछ बनाया जाए। तो मैं इसके ऊपर अब दोबारा से पेंट करके इसको रीयूज़ करूँगी डेकोरेशन के लिए। मैंने ये टील ब्लू फैब्रिक का कलर यहाँ पे लगाया है और ऊपर मैं इसके ऊपर येलो कलर लगा रही हूँ, और मैं इसके बेस के ऊपर कोई भी जैसो वगैरह को अप्लाई नहीं कर रही। और ये एक पॉट था हमारे पास जो मैंने मेडिसिनल यूज़ के लिए इसको लिया था, और ये थोड़ा सा क्रैक हो गया है, और इसके ऊपर मैं जैसो ज़रूर अप्लाई करूँगी क्योंकि ये नीचे से हमें मेडिसिन गर्म करने के कारण थोड़ा सा ये ब्लैक हो चुका है, और इसको अगर हम ब्लैक पोर्शन को जैसो अप्लाई कर देंगे तो हमारा कलर थोड़ा कम लगेगा, और ऊपर नहीं करेंगे क्योंकि मैं यहाँ पर इसके बाल बनाऊँगी और ब्यूटीफुल इसकी डॉल की लुक देंगे हम इसको। और येलो कलर मैंने इसके पूरे बेस के ऊपर कर दिया है पहले, और बाद में हम इसकी अब आईज़ वगैरह ड्रॉ कर लेंगे। हमें कोई भी चीज़ हो हमारे घर में फेंकने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना चाहिए कि हम उसका बेस्ट ऑफ द बेस्ट कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें गूगल से भी आइडियाज़ मिल जाते हैं कि हम अपने घर को बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ों के साथ कैसे इसको हम डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको गार्डन में रखा जाए और हमारे गार्डन की ब्यूटी भी इसके साथ थोड़ी सी और अच्छी लगेगी। जब ये चीज़ हमारे प्लांट्स के साथ पड़ी हो तो हमारा गार्डन बहुत ब्यूटीफुल लुक देता है। अब मैं ऐसे ही बेस्ट ऑफ द वेस्ट कबाड़ से जुगाड़ करके काफ़ी सारे DIY बनाती रहती हूँ, आप मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट करें फ्रेंड्स। और ये मैंने एक छोटा सा इसको फेस का लुक दे के इस पॉट को देखिए मैंने एक ब्यूटीफुल सी डॉल बना दी है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी, और इसमें सिर्फ मैंने फैब्रिक का कलर ही यूज़ किए हैं, और 2-3 कलर्स के साथ ही देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आ गई है। और भी बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और डिज़ाइंस होते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर से अब इसकी ड्रेस बनाने की कोशिश की है, और यहाँ पे कॉलर की लुक दे देंगे, और इसकी ड्रेस को कंप्लीट करके हम इसके ऊपर हमें चिपकाने की भी ज़रूरत नहीं है, हम बस इसको ऐसे ही पॉट को एक कॉर्नर में रख देंगे इसके ऊपर, तो हमारा डॉल की लुक ये कंप्लीट होने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। और देखिए ये बिल्कुल बनकर बिल्कुल तैयार है। अब इसके ऊपर हम इसके बाल लगा लेंगे, और कितना खूबसूरत लग रहा है ये डॉल देखने में। और बालों के लिए मैंने लिया ये पुरानी ऊन जो मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, और ये पहले सबसे पहले मैंने ब्लैक कलर की ऊन को 7 से 8 बार इसको फोल्ड कर लिया है, और मैं फेविकोल के साथ इसको यहाँ पर चिपका दूँगी, और तीनों कलर्स को यूज़ करके इसे कलरफुल हेयर बनाएंगे। देखिए ये ब्यूटीफुल सी डॉल बिल्कुल बनकर रेडी, और इसके उड़ते हुए बाल भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप इसको अपने गार्डन में डेकोरेशन कर सकते हैं इसको रख के, और ये लाइफ लॉन्ग होती है, जब तक इसके कलर्स ख़राब नहीं होंगे ये हमारे गार्डन को ऐसे ही ब्यूटी इसकी बनाकर रखेगी। अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा है तो आप मेरे को ज़रूर लिखकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसे लगी ये डॉल बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।